तो और मेरे चड्डी वड्डी भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। अब यार देखो, आज की वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि मैं एक से एक जबरदस्त क्लचेस दिखाऊंगा आपको मेरे क्लोज रेंज के, और वो भी इंटेंस एकदम फाइट, जिसको कि देखने के बाद आपको मजा आएगा कि मैं कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करता हूँ जब मैं क्लचेस करता हूँ। तो वो बहुत चीज आपको देखने में बहुत मजा आएगा, तो वीडियो को पूरा देखना। एंड सेकंड चीज, मैं आईक्यू नियो 7 प्रो के अंदर खेल रहा हूँ 90 FPS में। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं सीधा। तो देखो, हम डुओ भी 4 खेल रहे होते हैं और हम आते हैं पोचिंकी के अंदर। तो सामने की साइड में कुछ बंदे थे, बट इतनी देर में पीछे की साइड में ट्रिपल स्टोरी पे बंदे आ जाते हैं। तो अब देखना यहाँ पे मैं कैसा सिचुएशन हैंडल करता हूँ, क्योंकि हमारे आगे भी बंदे हैं और पीछे से भी बंदे हम पे पुश करने लग जाते हैं। बट इतने में मैं यहाँ पे दिमाग लगाता हूँ और देखो अब इन बंदों को कैसे वाइप करता हूँ। इधर आते ही मुझे बंदों को साउंड आता है, तो मैं सबसे पहले एक नेट निकालता हूँ, और ये मेरा नेट देखना कितना परफेक्ट काम करता है। अब यहाँ पे साउंड सेंस कितना ज्यादा जरूरी है देखो आप। अब यहाँ पे एक बंदा फट चुका है। अब मुझे पूरा पक्का पता था कि वहां पे दो बंदे हो रहे हैं, तो मैं इसलिए एक और नेट निकालता हूँ, और ये देखो। अब जैसे ही दूसरा नॉक हुआ, मैं कर देता हूँ पुश, और यहाँ पे भाई ये वाली स्क्वाड भी वाइप होती है। अब यार ये वाला आपको स्क्वाड वाइप अच्छा लगा हो तो प्लीज यार वीडियो पे लाइक कर देना, और जरूर से वीडियो को शेयर भी कर देना अगर आपको थोड़ा भी मजा आ रहा हो। तो मजा तो अभी स्टार्टिंग आया है, देखते जाओ अभी आपको कैसे कैसे क्लचेस दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मैंने इन वाली स्क्वाड को वाइप किया ही था, तभी मेरे को सामने की साइड में कोई बंदा हल्का सा दिखा, तो मैं सामने की साइड में जा रहा होता हूँ, और देखना मेरे पे पीछे से फायर होता है। अब ये वही बंदे होते हैं जिनको कि मैं भूल जाता हूँ। मैं आपको सबसे पहले बता रहा था कि आगे भी बंदे हैं और पीछे जो बंदे आ जाते हैं, तो पीछे वालों को तो मैं निपटा देता हूँ, बट अब बारी थी इन आगे वाले बंदों की, तो देखो इनको कैसे निपटाता हूँ। अब यार यहाँ पर क्या होता है, एक गलती के कारण मैं खुद की मोली से ही जल जाता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं फटाफट से हील करता हूँ। लेकिन जितनी देर में मैं हील करता हूँ, तो चमन पे मतलब कि मेरे टीममेट पे कोई बंदा पीछे रश कर देता है, तो सबसे पहले मेरे को उसके पास जाना था, तो फटाफट सबसे पहले मैं उसके पास चलता हूँ। अब ये बंदा इतना चमन था कि भाई डर के मारे भाई पीछे से कूद के भाग जाता है। अब मैं इतनी देर में इसको देखने के लिए जाता हूँ, तब तक देखो क्या होता है। अब यार यहाँ पर इतना ज्यादा गलत सीन हो जाता है मेरे साथ में, क्योंकि मेरे फोन की बैटरी 10% रह जाती है, जिसके कारण कि मेरा फोन भी यहाँ पे लैग मार रहा था, और ऊपर से टीममेट भी नॉक हो गया, और फिर भाई मेरे पे हो जाता है रश। अब फुल स्क्वाड मेरे पे रश कर देती है भाई, नेट बॉली भी करने लगती है। तो अब देखना यहाँ पे ऐसे सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करता हूँ। अब देखो तुम्हारा भाई यहाँ पे कैसे पटक के पहलता है इनको। अब यहाँ पे मैं इसके दो बंदों को नॉक कर चुका था, अब यहाँ पे मेरे को पता भी चल चुका था कि इसका लास्ट बंदा बाकी है, और देखना भाई यहाँ पे क्या ही गलत सीन होंगे, बंदा मुझे दिखेगा नहीं। अब भाई लिटरली मुझे बिल्कुल भी बंदा नहीं दिखा था, मैंने सिर्फ एक अंदाजा लगाया था कि गोली का जैसे साउंड आया ना, तो मैंने बस वहीं पे फायर किया। भाई अगर ये वाला सीन आपको पसंद आया और ये वाला क्लच आपको पसंद आया, तो प्लीज यार अभी तक भी लाइक नहीं किया तो फटाफट से क्या कर रहे हो, लाइक के बटन को ठोक दो, और जो लोग चैनल पर नए हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, आपको और इससे ज्यादा मजा आने वाला है। तो फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट क्लच की तरफ। सॉरी थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही, तो एडजस्ट कर लेना। अब बस इन बंदों को ऐसे निपटाने के बाद हम यहाँ से निकल ही रहते, तभी मुझे यहाँ गाड़ी का साउंड आता है। अब ऑलमोस्ट इस बंदे को डैमेज तो दिया था, बट इतने में पीछे बंदे आ जाते हैं, और भाई देखो अब यहाँ पे तुम्हारा भाई क्या ही फाइट लेगा इन बंदों से, देखते जाओ। अब यहाँ पर मैंने इसको एक हेड तो मार चुका था, लेकिन इतने में मैं देखता हूँ मेरी M4 में भाई गोलियां खत्म हो जाती है, तो मैं अपने टीममेट को इशारा कर देता हूँ कि भाई मुझे गोलियों की जरूरत है, और भाई मेरा टीममेट मुझे गोली देने भी आता है, बट मैं सोचता हूँ क्यों ना इसको घुस के पहला जाए। तो मैं इधर आता हूँ, तो मैं इस पर एक नेट ट्राई करता हूँ।
अब यार बंदा बोल के कुछ ज्यादा ही पीछे था, तो नेट से ज्यादा कुछ होता नहीं है। अब यहाँ पे मैं और कॉन्फिडेंस के साथ भाई मैं उस पर पुश कर देता हूँ, और ध्यान से देखना शॉटगन में मेरे पास सिर्फ एक एमओ है, और देखना मेरे साथ क्या होगा। अब यार भाई मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरी शॉटगन में सिर्फ लोडेड एक ही एमओ है, और यहाँ पे मैं भाई पिल जाता हूँ। अब यहाँ पे मेरी वेस्ट भी डैमेज थी, बट कोई नहीं, यहाँ पे खैर मैं बच जाता हूँ, और भाई मेरा टीममेट भी गाली खाने से बच जाता है, मतलब कि सही टाइम पे मेरे को बचा लिया। खैर अपन निकलते हैं अपन नेक्स्ट क्लच की तरफ। अब यार देखो कभी ना कभी स्नो विलेज पे उतरते ही कम किल करने के बाद आप भी मर जाते हो, तो मैं यहाँ पे 7 किल करके वहाँ पे मर जाता हूँ, और यहाँ पे आता हूँ जैसे ही भाई दो बंदों के फुट आते हैं, और मेरे पे खाली उजी होती है, तो देखो कैसे निपटाता हूँ इनको। वो गाड़ी लेके आता हूँ, कुछ करना मत, आ रहा हूँ। अब यहाँ पर भी देखो तुम्हारे भाई ने इनको बिल्कुल इजी तरीके से निपटा दिया था, जबकि मेरा टीममेट बोल रहा था भाई रुको रुको मैं आ रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरा क्या सीन होता है कि मेरे पास अगर गन है ना, तो वेट नहीं करने का, या तो मरेंगे या मारेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा कि आप ज्यादातर क्लचेस निकाल ही दोगे। तो सबसे अच्छी चीज है आपको बिना डरे, आपको कॉन्फिडेंस है, तो बस आपको पुश मारना है और एकदम वेट करके अच्छी तरीके से बंदे से फाइट करके और क्लचेस मार देने। अब यार ये चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ऐसा होगा। खैर देखो इनको जैसे ही निपटाता हूँ, तभी बगल वाली बिल्डिंग से फूट आते हैं, वहाँ पे भी दो बंदे होते हैं, और भाई देखो उनको भी कैसे घुस के पेलता हूँ। अब उस बिल्डिंग से सीधा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मुझे बंदों के फुट आते हैं, तो मैं सबसे पहले इधर आता हूँ। अब मेरे को लग रहा था कि सामने वाले घर के अंदर बंदा है, मतलब कि सामने वाले कमरे में, तो मैं एक नेड पिन करता हूँ और भाई सीधा उस कमरे के अंदर डाल देता हूँ। लेकिन होता क्या है, उस वाले घर पे कोई बंदा नहीं होता, तभी मुझे लेटने की आवाज ऊपर से आती है, और ये देखो अब यार देख रहे हो, अब चमन की बातें सुन रहे हो, मतलब कि बोल रहे हैं कि मैं तो देखा तुम निपट लिए, मतलब कि आपके टीममेट भी कभी आपको ऐसे बोलते होंगे क्या, या फिर वो सोचते होंगे कि ये फाइट करने जाएगा या निपट जाएगा। तो यार बताना मुझे कमेंट करके कि आपके भी टीममेट ऐसे होते हैं। अब खैर देखो ये वाला क्लच अपन 1v2 कर देते हैं, अब आपको प्योर क्लच दिखाता हूँ खतरनाक वाला। सो देखो मैं था स्नो विलेज के अंदर, और मेरे यहाँ पे टीममेट सारे मर चुके थे, मतलब कि जो स्क्वाड मेरे पे पुश कर रही है उसी स्क्वाड ने भाई मेरे पूरे टीममेट को मार दिया था। अब यहाँ पे देखो ये वाली स्क्वाड बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थी, मतलब कि मेरे पे नेड बोली पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, और बस मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि इनकी नेड मोली खत्म हो, मैं इन पे रश करूँ। लेकिन जितने में इनकी नेड मोली खत्म हो जाती है, और यही मेरे पे रश कर देते हैं, तो देखो क्या ही फोड़ता हूँ इनको मैं। अब तो यार मेरे टीममेट को तो बहुत ज्यादा पसंद आया था ये वाला क्लच, और मेरे को तो ऑफकोर्स बहुत ही पसंद आया था। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब देखो इन लोगों पे पुश मैं भी कर सकता था, लेकिन जब रसगुल्ला अपने मुंह में खुद आ रहा है तो अपन क्यों ही दिक्कत ले, मतलब कि यार जब ये खुद पुश कर रहे थे तो अपन क्यों ही दिक्कत ले भाई, इजी अपन वाइप कर देंगे। कह रहा आप लोगों को कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना, और आप लोगों के लिए एक छोटा सा मस्त सा क्लच और दिखाऊंगा, और वो भी इंटरेस्ट के साथ में। और कैसे, अब जिन बंदों को मैंने अभी मारा उनका नाम एक बार वापस से रिपीट करके देख लेना, और ये बंदे मेरे से बदला लेने के लिए वापस यहीं आते हैं, और देखो इनको वापस कैसे निपटाता हूं मैं। अब यहां से लूट वगैरह कंप्लीट करके बस मैं ऐसे निकल ही रहा था, तभी मुझे सामने की साइड में एक बंदा दिखता है, और मेरे को अभी तक भी नहीं पता था ये उसी स्कोर का बंदा है जो स्कोर मैंने अभी निपटाई है। अब यहाँ पे मेरे को कैसे पता चलता है, बस आप देखो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ और कैसे निपटाता हूँ इनको, देखो बस। अब यहाँ पे मैं दो बंदे तो नॉक कर चुका था, लेकिन मुझे अभी तक भी नहीं पता था कि ये बंदे वही बंदे हैं, और देखना मुझे कैसे पता चलता है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको भी पता चल रहा है या आपको भी एंड में पता चलेगा, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। करना क्या चाहते हो आप? वापस वही बंदे हैं सर जिनको तीनों को एक साथ मारा आपने, वही तीनों बंदे हैं सर ये। अब यार आप लोग मुझे कमेंट करके बताना क्या वही बंदे थे, मेरे को भी एंड में जब मैंने देखा तब मुझे लगा कि हाँ ये वही बंदे हैं, और मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था, और जब ये मेरा टीममेट बोल रहा था ना तब जाके मैंने देखा कि हाँ ये वही बंदे हैं। और उसके बाद भी मैंने जब ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद
एडिट करने के टाइम पे जब पूरा देखा तब मुझे लगा कि हाँ ये वही बंदे, नहीं तो मैं अपने टीममेट की मान रहा था कि हाँ यार ये वही बंदे हो सकते हैं, उसके बाद जब मैंने देखा तब मुझे पता चला। तो आप लोगों को क्या वीडियो देखने में पता लगा या फिर मैंने बताया, जब पता लगा तो कमेंट करके बताना। एंड पूरा ऑल ओवर आपको गेम प्ले कैसा लगा, मतलब मेरे क्लचेस क्लोज रेंज आपको कैसी लगी, और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं जरूर आपके लिए लेके आऊंगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना यार, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, बोलो भारत माता की जय।